हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से गाइडेंस लेकर आई हूँ। ये जो मैं रीडिंग निकाल रही हूँ पूरे साल की निकाल रही हूँ, और आज मैं निकालूंगी जिनका जन्म हुआ है 11th से लेके 20th, ओके 20 तारीख, 11 से 20 तारीख के जन्म में जो भी लोग हैं किसी भी महीने में, उनके लिए आज मैं गाइडेंस निकालूंगी, रीडिंग निकालूंगी और एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज़ वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ, किसी को रेजोनेट होगा किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो जिसको होता है वो ये प्लीज़ ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और जिसको नहीं होता है वो प्लीज़ स्किप कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं पहले जो आप लोगों को गाइडेंस दूंगी आपके पूरे साल की, उसके लिए मैं 5 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। 5 कार्ड के बाद मैं निकालूंगी एंजल गाइडेंस और भोलेनाथ की गाइडेंस की, वो क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस में मैं मोस्टली 5 कार्ड्स निकालती हूँ और भोलेनाथ की गाइडेंस में मैं 1 ही कार्ड निकालती हूँ। तो चलिए, पहला कार्ड ये आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। 1 से 10 के जो जन्मे टैरो कार्ड्स हैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ। मतलब पूरा, बट ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, कुछ लोग फुल ऑफ इमोशंस ही इमोशंस हैं। चलिए पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, 5 कार्ड निकाले हैं मैंने। पता नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं 1 कार्ड और निकालूँ, ठीक है। तो मैं 1 कार्ड और निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ जो 11 से 20 तारीख के जन्मे लोग हैं। ये देखिए, अपने आप आया है। फिर मैं 1 कार्ड और निकालना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अलग सा मैसेज आ रहा है। तो मैं आप लोग के लिए निकालती हूँ जो 11 से 20 तारीख के जन्मे लोग हैं, कार्ड्स प्लीज़, टैरो कार्ड्स, उनके लिए कार्ड्स निकालिए। 20 जन्मों के लोगों के लिए, ओके। मैंने यहाँ पे निकाले हैं 7 कार्ड्स, मैं उस पर बता देती हूँ। पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है। किंग्स ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, इसमें आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉट्स कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। थोड़ी सी सिचुएशन इधर उधर है जो मैं आप लोग को बता दूंगी अभी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कार्ड्स अच्छे आए हैं फिलहाल। थोड़ी सी मैं कहूँगी कि इमोशन में बहुत ज़्यादा रहोगे आप इस साल, पूरे साल जो 11 से 20 में किसी भी महीने में जन्मे हुए लोग हो आप, तो आप लोग को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वर्ड का कार्ड है, तो सबसे पहले मैं इसे शुरू करूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये किन लोगों के लिए है। ये रेजुनेट होगा, एरिस हो सकता है, टॉरस हो गए, लियो हो गया, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस के लिए होगा, एंड दिस इज स्पाइसिस के लिए, कैंसर के लिए, एंड स्कॉर्पियन, आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ, जेमिनाय के लिए भी रेजुनेट होगा, के जॉडिक साइन मैंने नहीं बोले हैं, उनके लिए भी रेजुनेट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कुछ लोगों के लिए ऐसी थी जो आप लोगों ने छोड़ी है, ठीक है, किसी ने छोड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन है, कुछ लोगों को पछतावा है, ठीक है। पहले तो मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप, और दिल से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यू फॉलो योर हार्ट। एंड जो आप कुछ लोगों की पर्सनैलिटी जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, वो जैसे मतलब उनका जो फिज़िक है वो बहुत अच्छा होगा, दे मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड केयरिंग, वेरी जेंटल। आप सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, मतलब अगर आप नहीं हैं तो आप शायद गाना अच्छा गाते होंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो हुआ है आपके साथ, जो एक रिसेंटली जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ, अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उसको लेके आप चल रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो कार्ड्स निकले हैं इसमें विक्ट्री कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपकी देखिए सराउंडिंग अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, एंड आपका दिल बहुत साफ है, यहाँ से जो मुझे फीलिंग आ रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं इस टाइम पे। इतना इमोशनल मत होइए, क्योंकि जब एक रास्ता बंद करता है भगवान, तो दूसरा रास्ता डेफिनेटली खोलता है। आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप बहुत जल्दी, ये देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम बहुत ज़्यादा उसमें लेते हैं कि आपके कोई सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, मे बी आपके दोस्त की शादी, या आपके रिश्तेदार में किसी की शादी, या फिर आपके घर में किसी की शादी, या आपकी खुद भी शादी हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके लिए कोई शादी का रिश्ता आएगा और उनकी शादी इस साल हो पाएगी। हेल्थ में अगर आप नहीं ठीक थे,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नहीं थोड़ा बहुत टीकते तो आपका टाइम आ गया है कि आप हेल्दियर फील करेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मतलब विक्ट्री, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और जो फाइव ऑफ इमोशंस का कार्ड है, देखिए ये कार्ड कहते हैं ना, आप कहीं लूप में हैं, आप कहीं पे हैं, मतलब आपको अंदर अंदर कोई चीज़ परेशान कर रही है, कुछ लोगों को ये परेशान कर रही है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आप इमोशनली अटैच किसी चीज़ से भी हो सकते हैं, अपनी जॉब को लेके हो सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके हो सकते हैं, खुद को लेके हो सकते हैं, हेल्थ को लेके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपका विक्ट्री का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है आपका। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मतलब आप डिफेंसिव होंगे, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो डेफिनेटली यू विल टेक स्टैंड, एंड डिफेंसिव को मैं ये इसे रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली। इसमें क्या है कि आप अपनी बात रख सकते हैं अच्छे से, सामने वाले को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग आपको कुछ भी कह के चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते और बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा, काश मैंने ऐसा बोला होता, काश मैंने ऐसा किया होता, है ना, ऐसा होता है। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आपका एक ऐसा एंड ईयर में जो भी दिसंबर आते आते आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, जिसे कहते हैं ना देख देख के एक्सपीरियंस इंसान सीखता है, वो आपके साथ होगा। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बहुत खूबसूरत आ रही है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इस साल, कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको थोड़ी देर में दो तीन रेमेडीज़ दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करो जो आपके कहते हैं ना बुरी चीज़ें टल जाती हैं या फिर आपका मन शांत होगा, उसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड भगवान पे, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। आपको जो भी कुछ करना है, जैसे मैं बहुत लास्ट वीडियो में भी कहा, अब फिर रिपीट करूँगी कि शनि का साल चल रहा है, जो भी आप करोगे कर्मों के हिसाब से ही करोगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। बस मैं आपको इस चीज़ के लिए वॉर्न करना चाहती हूँ कि इमोशनल होके कोई भी फालतू डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपको बाद में पछतावा हो, इमोशनल होके, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं कि नहीं चलो कोई नहीं, अपना दोस्त है, अपना यार है, अपनी बहन है, अपना भाई है, अपने पेरेंट्स हैं करके हम कोई फैसला ले लेते हैं, फिर पूरे साल आपको रिग्रेट होगा। तो प्लीज़ ये भूल के भी मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी जैसा कि मैंने कहा नहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके ट्रैवल का भी कार्ड है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंड लव का बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ रोमांटिक प्रपोजल इज़ ऑन द वे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको प्रपोज करने वाला है, फिर चाहे वो लड़का हो, फिर चाहे वो लड़की हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, आप अपने एक लव लाइफ का बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग अगर बीमार थे तो उनको हेल्दियर फील होगा, ठीक है। आपके कुछ डिसीजन हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, आपके बहुत ऐसे डिसीजन हैं जो आपको, आपके सामने चैलेंज आएगा, और लेकिन मैंने कहा चैलेंज आएगा, जैसे कि ये सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड है, चैलेंज आएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन आप दूसरों को दिखाएंगे नहीं कि आप डबल माइंडेड हो रहे हो या आपके मन में आ रहा है कि मैं इसको लूँ ना लूँ, लेकिन इमोशनल होकर आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो ये तो मेरी एक आपको एडवाइस है, एडवाइस कहो वार्निंग कहो, ये मैं आपको ज़रूर दूंगी, इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आपका पूरा साल इमोशंस में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भोलेनाथ की गाइडेंस दूंगी और मैं एंजल गाइडेंस दूंगी, उससे पहले मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, ठीक है। तो वो रेमेडी कीजिएगा अगर आप कर चाहें, जैसे कहा ना, अगर आप करना चाहे, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है, तो अगर आप मानते हैं इस चीज़ को तो कर लीजिएगा। मैं आपको अभी क्विकली एक रेमेडी देती हूँ, ठीक है। चलिए क्विकली मैं आपके लिए रेमेडी निकाल देती हूँ कि आपके जो इमोशंस से आप लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और भगवान आपको ऊपर वाला सही रास्ता दिखाए, उसके लिए मैं एक रेमेडी निकालती हूँ। जो आप इमोशंस किसी भी तरीके से अगर होंगे आप, तो आपको ऊपर वाला संभालेगा, उसके लिए मैं एक रेमेडी निकालती हूँ। कार्ड्स एक अच्छी सी रेमेडी निकालिए जिससे इनका पूरा साल अच्छा जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है रेमेडी, इसमें से निकालती हूँ। पहले तो ये आया है कि फ्राइडे को आपको उन लोगों को खाना ऑफर करना है जो नीडी हैं, बहुत नीडी हैं, जैसे आपके मेड हो जाते हैं या आपके यहाँ वॉचमैन हो जाता है, आपके ड्राइवर हो जाते हैं, ये लोग इतने नीडी नहीं है, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को, उन लोगों को, सॉरी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था तो नेट गया फिर दोबारा आया,
ठीक है, तो ये उन लोगों को खाना खिलाना है जो बिल्कुल नीडी है, जैसे मंदिर के बाहर होते हैं या फिर आप कभी रोड में जा रहे हैं तो खड़े रहते हैं, तो एक काम कीजिए, कुछ रखिए अपने, एक पार्सल लेके अपने बैग में रखिए, मतलब अपनी गाड़ी में रखिए, कैरी कीजिए। देखिए रास्ते में जो भीख मांग रहे हैं लोग, वो नीडी ही समझिए आप लोग, जो बैगर्स होते हैं उनको दे सकते हो, या मंदिर के बाहर जो बैठे हैं उनको भी दे सकते हो, कुछ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, आपको अपने आप समझ में आ जाए कि आपको किस किसको देना चाहिए, पर इन लोगों को मत दीजिएगा क्योंकि इन लोगों के पास होता है, ठीक है। या फिर आप उन लोगों को दीजिए जो ब्लाइंड हैं, है ना, ब्लाइंड को फ्राइडे को ही देना है, हर फ्राइडे आप ये कर सकते हैं, एवरी फ्राइडे यू हैव टू डू दिस, और अगर आप एक फ्राइडे नहीं कर पाते हैं तो मेक श्योर यू डू इट ऑन ट्यूसडे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये तब है रेमेडी, अदरवाइज फ्राइडे ही फ्राइडे करना है आपको। दूसरा, आप लोगों को व्हाइट कैंडल जलानी है। अब कुछ लोग कहेंगे जैसे हम लोग हिंदू हैं, हिंदुओं में कैंडल कहाँ जलती है, हम लोग दिवाली वगैरह में जला लेते हैं, जला लेते हैं। तो जो लोग कैथलिक हैं या कोई भी कैंडल जलाता है, नहीं तो अगर हम लोग अपने मंदिर में भी एक व्हाइट कैंडल जला लेंगे तो इसमें कुछ हो नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है जला सकते हैं, कहीं पर भी जला लो, तुलसी के पास लगा लो, जब आप दिया लगाते हैं उसके साथ लगा सकते हैं, या फिर अपने घर के बाहर अपने मेन गेट के पास या अपने गार्डन में अपने कहीं पर भी छोटा सा व्हाइट कैंडल जला लेना, लेकिन ये व्हाइट ही होना चाहिए, ये और किसी कलर का नहीं होना चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए या पूरे हफ्ते कर लीजिए या जब भी आपको याद आता है तब कर लीजिए, तो ठीक है, आप ये रेमेडीज कर सकते हैं, अपना ध्यान रखिए। फिर भी मैं आपको यही कहूंगी, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, गलत में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ भोलेनाथ की गाइडेंस फटाफट से पूरे साल के लिए, भगवान भोलेनाथ प्लीज इनके लिए गाइडेंस निकालिए कि इन्हें कहाँ पे किस जगह में संभलने की ज़रूरत है, या फिर इनको कोई रास्ता दिखाइए पूरे साल, ये जो 11 तारीख से लेके जिनका जन्म 20 तारीख तक हुआ है, 11 से 20 तारीख तक के जन्मे हुए लोग किसी भी महीने में 2024 में, भोलेनाथ इनको गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ इनको एक गाइडेंस दीजिए। तो ये कार्ड आया है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद योर डिवाइन गाइडेंस। इसका मतलब साफ साफ है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इमोशनल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लीजिएगा, और हमारे पास कहते हैं ना ऊपर वाला है, हम लोगों देखिए सब में, आज मैं आपको ये कार्ड्स बता रही हूँ, मेरे अंदर भी कुछ इंट्यूशन पावर्स हैं जिनको मैं यूज कर रही हूँ, जिनको मैं इन्हेंस कर रही हूँ, आप लोगों के अंदर भी है, कहते हैं ना हमें कभी कभी कुछ लगता है कि कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है, या कभी भी किसी तरीके भी स्ट्रांग इंट्यूशन होते हैं, बहुत लोगों में होते हैं, बस इतना कि कोई इसको आगे लेके जाता है, कोई नहीं लेके जा पाता है, मेरे कुछ कर्म रहे होंगे जिस वजह से मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, या पता नहीं मैंने कुछ करना होगा इस फील्ड में, है ना, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को प्लीज़ अपना जो थर्ड आई चक्रा है वो खोल के रखना है पूरे साल, आपको बहुत विजिलेंट लेना रहना है, मैंने आपको कहा है ना कि बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, चाहे वो शादी का मैटर हो, आपकी जॉब का मैटर हो, ट्रैवलिंग का मैटर हो, किसी चीज़ का भी मैटर हो, आपको थोड़ा सा रहना है, लाइट सा डिप्रेशन आपको रह सकता है, वो हल्का सा डिप्रेशन, देखिए हम सबको होता है, डिप्रेशन नहीं बोलूँगी लेकिन वही कहूँगी कि प्लीज़ ध्यान से देख के कीजिए आपके आसपास क्या हो रहा है, थर्ड आई चक्रा आपको खोलना है, आँखें खोल के करना है काम, जो भी करना है इमोशंस में नहीं करना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको एंजल गाइडेंस बता देती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 5 कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। एंजल में बहुत होता है, कार्ड बहुत उछल उछल के आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कार्ड है, देखिए एक साथ आते हैं, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो कार्ड मेरे बहुत ज़्यादा उछलते हैं एंजल वाले। ये देखिए, फिर से इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी, इतने सारे कार्ड मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं 4 निकाल चुकी हूँ। ये देखिए खुदाया है, वेरी नाइस, देर इज़ समथिंग बेटर। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले रीडिंग में बताया कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ये मैं बाद में बताऊँगी आपको लास्ट में, उस टॉपिक पे मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी से हेल्प लेने में हेजिटेशन नहीं करनी है, जैसा कि मैंने कहा इमोशंस में समटाइम्स आपको लगता है डिसीजन मैं लूँ ना लूँ, मैं लूँ ना लूँ, आपके घर में कोई बड़ा होगा, आपकी वाइफ होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपके दोस्त होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कोई भी है, आप उनसे प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू डिस्कस एनीथिंग एंड टेक अ एडवाइस, ठीक है, सुनो सबकी, करो करो अपने मन की, ये कहावत है, लेकिन फिर भी अगर बड़ों से या किसी से, आपको कहते हैं ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा माध्यम आ जाता है जो आपको अच्छी सी एडवाइस दे देता है और वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, तो प्लीज़ डू दैट, मेक श्योर, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आ रहा है कि मुझे किसी से डिस्कस करना चाहिए, मैं अकेले फैसला नहीं ले सकती, नहीं ले सकता, तो आप ले लीजिएगा। अबेंडेंस, भर भर के अबेंडेंस आ रही है, जैसा कि मैंने कहा न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टू यू, आस्क योर एंजल्स, मतलब वही अगेन अपने मेडिटेशन कीजिए, भगवान से पूछिए, कनेक्ट होने की कोशिश
कीजिए, ठीक है। वेदर यू बिकम अ एस्ट्रोलॉजर और नॉट, टैरो कार्ड रीडर और नॉट, वट एवर इट इज, लेकिन आप भगवान से कनेक्ट तो हो सकते हैं ना, तो भगवान से कनेक्ट होइए, थोड़ा सा ऊपर वाले से कनेक्ट होइए। हम लोग भगवान बोलते हैं, कोई वाहेगुरु बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं भगवान के, है तो एक ही। तो ऊपर वाले से जो भी आपको लगता है, डिवाइन से, यूनिवर्स से, प्लीज़ आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू, वो पक्का आपको कोई ना कोई गाइडेंस बनाएंगे। बी असर्टिव, जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूसली बोलती आ रही हूँ, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, इसका मतलब ये है बी असर्टिव। जहाँ आपको ना बोलना है प्लीज़ ना बोलिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना नहीं बोल सकते, जिनके मुँह से ना नहीं निकलता, लेकिन उनको ना बोलना है लेकिन वो कह नहीं सकते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, जबरदस्ती का कोई भी काम नहीं करना है। मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया भी था, असर्टिव का मतलब ये भी होता है कि कभी आप कहीं नहीं जाना चाहते लेकिन आपको कोई ज़बरदस्ती ले जाता है और आप उस गलत सिचुएशन में पड़ जाते हो। तो जहां आपको बोला जा रहा है, आपका मन बोलता है मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे इसको ना करना चाहिए, तो प्लीज से नो, बी असर्टिव। ये सारे कार्ड कनेक्टेड हैं, सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकले हैं। मैंने इसमें से कोई भी कार्ड अपनी मर्जी से पुल नहीं किया है, मैंने आप लोगों के लिए ये कार्ड निकाले हैं और आप लोगों के सारे कार्ड टैरोट कार्ड से मैच होते हुए निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पावर है, एक शक्ति है, कुछ तो है जो कार्ड्स रिलेट हो रहे हैं और आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहे हैं। लास्ट कार्ड जो मैं बोलने वाली थी, ये मैंने इसलिए बोलते बोलते रह गई, मैं लास्ट में बोलूंगी, देयर इज समथिंग बेटर। मैंने सबसे पहले जब कार्ड निकाले थे टैरोट, तो मैंने उसमें बताया था किसी की कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई है, जिसके लिए आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो, पछता रहे हो, जिसके लिए आप अभी भी थोड़ा सा पास्ट में अटके हुए हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही रखा होगा। देखिए, मैं जाते जाते एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, और इस बात को मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मुझे भी बहुत पछतावा हुआ था, काफ़ी चीज़ों को ज़रूर बताऊँगी कि कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने बहुत चाहा है, बहुत दिल से चाहा है उस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई, और लेकिन जो मुझे एंड में मिला अपने आप बैठे बैठे, वो बहुत अच्छा था या है, इट्स ब्यूटिफुल। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमको, मुझे कहते हैं ना, कहावत है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट ऊपर वाला, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आप कितना रो लो, कितना पछता लो, कितना माथा पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिना ऊपर वाले के एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, दरगाह हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक अदृश्य शक्ति है, ठीक है, साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही आप भक्त बन के बैठ जाओ, वो कर लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ हाँ, कोई तो शक्ति है। तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए और सोचिए कि अगर आपके लिए किस्मत में ये लिखा है तो आपको मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, घूम के मिलेगा, कहीं से आके मिलेगा, पर वो मिलेगा। वक्त जो होता है, टाइम जो होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और टाइम एक बहुत बड़ा हीलर भी है। तो आप ये पूरे साल जो अपना टाइम बर्बाद करेंगे इमोशंस में, रोने में, पीटने में, या पिछले पास्ट में अटकने में, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपने खोई उस चीज़ में, प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर। आप देख रहे हैं ना, देयर इज़ समथिंग बेटर, ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कहीं पे भी, ये सब स्कैम होगा। इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे DM कर सकते हैं, लेकिन आई विल स्टिल टेल यू, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा में मैसेज डाल सकते हैं कि आप प्लीज़ इस पे वीडियो बना दीजिए, लेकिन इंडिविजुअली मैं एक जने के लिए वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ, आप मुझे टॉपिक दे सकते हैं कि मैम इस पे बना दीजिए, तो मैं उसको जर्नलाइज करके बनाऊँगी, ठीक है। मैं आपके नाम से एक स्पेशल नहीं बना सकती, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय।